नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित, स्वागत करता हूं वेब समाचार में। दोस्तों आज बहुत गर्व की बात है कि सिवान की बेटी ने आज पूरे जिले में एक अलग ही नाम रोशन किया है। कल जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैट्रिक के परीक्षा का रिजल्ट आउट हुआ है और इसने सिवान जिले में अगर मैं बात करूँ तो दरौंदा प्रखंड में बहुत ज़्यादा टॉप किए। इसने अकेले अपने दम पर पूरे प्रखंड में 417 नंबर लाई है। दोस्तों ये जो नंबर होता है कम नहीं होता है, क्योंकि ये लड़की ने अपने मेहनत के साथ और अपने बलबूते के साथ इसने 417 नंबर लाया है। क्योंकि कोई भी परीक्षा जब भी देता है तो उसमें सबसे बड़ा उसका मेहनत सबसे ज़्यादा लगा रहा था। अब इस लड़की से बात करते हैं कि इस लड़की ने कितना अच्छा मार्क्स लाया और इसके पीछे इसका राज क्या है, इसने कितना मेहनत किया। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आपने मतलब कैसे पढ़ाई की और मतलब कि अभी जो आप सफल हुई हैं इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? अपने पेरेंट्स, अपने टीचर को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। इसके साथ मेरे फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था मुझे पढ़ाने का। फैमिली का पूरा सपोर्ट था। अब ये बताइए कि आप कितना देर सेल्फ स्टडी करती थी घर पे? 8-10 घंटा करते थे और फिर टाइम मिलता था कभी कभी तो पढ़ते थे। अच्छा, आठ दस घंटा पढ़ती थी। 6 सब्जेक्ट होते हैं मैं जानता हूँ, 6 सब्जेक्ट होते हैं ना मैट्रिक में, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना देर टाइम देती थी आप? साइंस मैथ में ज़्यादा देते और सब में 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा देते थे। 1-1.5 घंटा देती थी। अच्छा ये बताइए कि आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? जैसे कहा जाता है कि मुझे, मैं अभी इंटर मैट्रिक पास कर गई, अब मुझे इंटर पास करने के, मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, तो आपका क्या सपना है? पहले इंटर का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर के, तो जब आप डॉक्टर की तैयारी करेंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो क्या आप कर पाएंगी? हाँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे पढ़ने का। अच्छा, पूरी कोशिश करेंगी। अच्छा आप ये बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट में आपका अच्छा नंबर आया है? मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर आया है। अच्छा, मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर आया, कितना नंबर आया? 88 नंबर आया है। दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है 88 नंबर लाना है। अक्सर देखा जाता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत तरह का हेजिटेशन रहता है कि कौन सा जब कितना आएगा, लेकिन इस लड़की का मानना है कि इसने पूरा एफर्ट लगाया मैथ में। अब इनसे अम्मी से पूछना चाहता है कि इनको कितना गर्व महसूस रहा है क्योंकि इनकी बेटी ने पूरे सिवान जिले में अपना नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी बेटी ने अच्छा मार्क्स लाया, पूरे सिवान जिले में टॉप की है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लड़की कैसे पढ़ती थी, कितना देर पढ़ती थी आप, और आपका कितना सपोर्ट था? बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरा, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, रात में 10-11 बजे रात तक पढ़ती थी। 10-11 बजे रात तक पढ़ती थी। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अक्सर देखा जाता है कि लड़की जो होती है मतलब कि घर के काम काज भी करते हैं, क्या आप काम काज भी कराती थी कि सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बोलती थी? खाली पढ़ने के लिए बोलती थी, काम काज करने के लिए नहीं बोलती थी, खुद करती थी लेकिन इनको पढ़ने पर रखती थी। अब देखा जा रहा है कि आपकी बेटी का सपना है डॉक्टर बनना, तो देखा जाता है डॉक्टर बनने में पेरेंट्स का काफ़ी अहम रोल होता है, पैसा लगाने होते हैं, बहुत ज़रा मेहनत भी करना होता है और अलग माहौल बनाना होता है, तो आप कैसे अपने बेटी को बनाएंगी, आप अलग माहौल कैसे कर पाएंगी, क्योंकि देखा जाता है कि अभी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की बढ़ गई है। अब ये इसके ऊपर है, जैसे पढ़ेगी वैसे पढ़ाया जाएगा। अच्छा, जैसे पढ़ेगी वैसे पढ़ाया जाएगा, जहाँ भी रह के पढ़ेगी पढ़ाया जाएगा, जहाँ भी रह के पढ़ेगी पढ़ाया जाएगा। हाँ। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है, आप भी एक महिला, आपकी बेटी महिला, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब देखा जाता है कि मैं नहीं कर पाई, कहा जाता है कि मैं नहीं कर पाई, मेरी बेटी करके ला दी, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अब इनके टीचर हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि इनकी कोचिंग संस्था की लड़की अच्छा टॉप की। मैं बताना चाहता हूँ इनके बारे में कि ये भी एक स्टूडेंट है और ये अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले कोचिंग खुला था, ये अकेले दम पे सारा सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तारीफ करनी होगी ऐसे टीचर का जिन्होंने पूरे एफर्ट के साथ, देखा जाता है कि कोरोना काल में पूरे कोचिंग संस्थाने बंद हो चुकी थी, लेकिन ये अकेले अपने दम पे पूरे एक टाइम से दो टाइम पढ़ाते थे। इनसे पूछना चाहता है कि इन्होंने कैसे तैयारी कर। सर सबसे पहले मैं तो अपना चैनल पर स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप कैसे तैयारी करवाएं कि आप इतना अच्छा रिजल्ट दे पाएँ अपनी कोचिंग संस्था के बच्चों को? ऐसे में तो एक्चुअली 2 टाइम पढ़ाते थे, इन लोग को रूटीन भी लिखवा देते थे कि घर पर सेल्फ स्टडी जो है करना है कितना घंटा, और उसी वजह से बच्चे भी इतना मेहनत करते थे घर पे भी, और यहाँ आते थे हर संडे को टेस्ट भी लेते थे, जिससे क्या होता है कि बच्चे जो है अपना तैयारी अच्छे से कर सकें। आप रूटीन की बात कर रहे हैं, अक्सर देखा जाता है कि अपने कैसे रूटीन बनाई, पहले ये बताइए। एक्चुअली कुछ टाइमिंग होता है, 1-1.5 घंटा लगा के, मतलब कि सब सब्जेक्ट पर दे दिया जाता है कि इतना घंटा में ये पढ़ना है,
उसी वजह से उस वैसे ही रूटीन बनवाए थे और उसी तरह से बच्चे पढ़ते भी थे। अच्छा, लगातार बनवाए थे कि गैपिंग करके, जैसे मतलब कहा जाता है कि डेढ़ घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ देना है, डेढ़ घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ देना है, तो फिर उसमें मतलब टाइमिंग क्या था आपका? देखिए, लगातार कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, उसका दिमाग बोरिंग टाइप हो जाएगा। वो कुछ बीच बीच में मतलब गैप भी देकर ऐसे रूटीन बनवाया गया था, रात को भी थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था लो। अच्छा, अक्सर देखा जाता है जब रूटीन फॉलो करना काफ़ी टफ होता है तो कोई भी रूटीन फॉलो नहीं कर पाता है। अक्सर मेरा अनुभव, मैं भी बताना चाहता हूँ कि जो भी रूटीन फॉलो करते हैं कन्फ्यूजन बढ़ते हैं, मैं क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ। लेकिन कैसे आप उस बच्चे को स्ट्रेसफुल से हटाएं और बोले कि आपको आप कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं? देखिए, रूटीन तो हर इंसान सक्सेस नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ दबाव देने के बाद ही वो सक्सेस हो पाता है। और मेरा तो पूरा दबाव था कि पढ़ना है, टॉप लाना है, मतलब कि पूरे बिहार टॉपर लाना है। इसके वजह से ये लोग अच्छा नंबर भी लाए। अभी आपको कैसा लग रहा है कि आप फर्स्ट साल में पहली बार पढ़ाते हैं, आपकी बच्ची ने टॉप कर लिया? मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रही है कि एक्चुअली तो मेरे चाचा की लड़की भी है और गांव समाज के भी गौर महसूस हो रहा है, क्योंकि पहली बार ये 400+ नंबर कोई मेरे गांव में लाया है। गांव में बने पहली ये लड़की है? हाँ, ये पहली लड़की है। अच्छा, जो 400+ नंबर लाई है। और इससे ये है कि जो आगे आने वाले 10th क्लास के जो होंगे अभी फिलहाल, उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि सानिया जो थी हम लोग के ही साथ पढ़ती थी और इतना अच्छा नंबर लिया, तो हम क्यों नहीं लाएंगे, और वो भी अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छा नंबर भी लाएंगे। जैसे कि दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगा जब वीप समाचार की टीम पहुंची और पता चला कि इस लड़की ने टॉप किया है, तो मुझे भी अच्छा लगा, मेरे चैनल को भी अच्छा लगा कि ऐसे लड़की को हम लोग सपोर्ट करें, मनोबल बढ़ाएं कि इनको भी सपोर्ट मिल सके और ये आगे बढ़ सके। दोस्तों, आज वीप समाचार की टीम पहुंची थी रामसापुर पंचायत में, रामसापुर गांव में।